मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। और आज हम 10 प्लस 2 क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डी चैप्टर कैपेसिटेंस है उसके फोर्थ लेक्चर को डील करते हैं। फोर्थ लेक्चर की चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले के 3 लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी होगा, जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं जी फोर्थ लेक्चर की। और फोर्थ लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, क्यों स्टोर होती है जी, इसका जवाब हमें पता करना है। दूसरा, जब ग्रुपिंग करते हैं कैपेसिटर्स की, ग्रुपिंग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की जा चुकी थी, तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनर्जी किस तरीके से जुड़ती है, सीरीज कम्बिनेशन होगा तो किस तरीके से ऐड होगी कैपेसिटर्स की एनर्जी, और यदि पैरेलल ग्रुपिंग है तो किस तरीके से ऐड होगी। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों हमारे पास एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी होती है, और उसके बाद होगा जी हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है कॉमन पोटेंशियल, जो कि इसका आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा। तो नाउ वी प्रोसीड विद द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। एक कैपेसिटर हमने ले लिया शुरू में, जिसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी है, न्यूट्रल ले लेते हैं शुरुआत में, बिल्कुल जैसे हमने उसको लिया वो न्यूट्रल था, मीन्स उस पर चार्ज की वैल्यू जो है क्यू दैट इज जीरो इनिशियली। फिर हमने उसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, चार्ज करना उसको स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूसली चार्ज करते जा रहे हैं, तो हमें बाहर से वर्क करवाना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए। क्यों करवाना पड़ेगा बेटे, क्योंकि जो चार्ज आया हुआ है कैपेसिटर पे वो और आने वाले चार्ज का पोजीशन करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कैपेसिटर को हमने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, मान लिया ये कैपेसिटर था भाई, और इस पे हम प्लस 2 माइक्रो कूलम तक का चार्ज दे चुके हैं, अगर और चार्ज इसको देना चाहेंगे तो ये जो पहले ही प्रेजेंट इस पे चार्ज है आने वाले चार्ज का पोजीशन करेगा। तो इसके लिए बाहर से आपको वर्क करवाना पड़ेगा, और वही वर्क इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैसे करें, अब हम कैपेसिटर ले लिया कैपेसिटेंस सी के साथ, इनिशियली न्यूट्रल था, हमने उसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो किसी स्टेज पे, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो चार्ज उसके पास है वो क्यू मान लेते हैं, और इससे मैं जो इसका पोटेंशियल है वो वी मान लेते हैं। इतना उस स्टेज पे चार्ज है, इतना उस स्टेज के पास पोटेंशियल है जी। अब अगर थोड़ा सा चार्ज और देना चाहिए हम डी क्यू, तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा चार्ज और ऐड करना चाहते हैं डी क्यू, तो थोड़ा सा वर्क हमारे को करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा वर्क डी डब्ल्यू जो होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो है लास्ट वीडियोस के अंदर, कि जब भी वर्क निकालना हो इलेक्ट्रिसिटी में दैट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। इससे में पोटेंशियल कितना है, वी, कितना चार्ज आपने दिया बिल्कुल थोड़ा सा डी क्यू, तो क्या आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा वर्क वी इंटू डी क्यू, ये आएगा बेटे। बट एक रिलेशन हमने पढ़ा है जी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये भी हमारे को पता है। इससे में चार्ज के पास q है, पोटेंशियल v है, इसकी कैपेसिटेंस c है, तो q इज इक्वल टू सी वी। तो आप यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दें, v इज इक्वल टू q बाई सी, ये आ जाएगा जी। तो जो थोड़ा सा वर्क हमारा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा वर्क क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज वी डी क्यू, मीन्स क्यू डी क्यू बाई सी, ये आ जाएगा। बट हमें तो वो सारा का सारा वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा जो पूरी चार्जिंग प्रोसेस के दौरान करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स भी होंगी साथ में इसमें, क्योंकि इनिशियली जो चार्ज था वो जीरो था, और फाइनल जो चार्ज मान लेते हैं चार्जिंग के बाद वो कैपिटल क्यू है जी। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पे वेरिएबल चार्ज है जी, तो इसलिए इनिशियली चार्ज हमारा जीरो था, और फाइनली जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है मेरे बच्चों, यह आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मान लेते हैं क्या आ गया बेटे, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब जो चीज इसमें कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन है उसको बाहर निकाल लीजिए, सी कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करते ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करते, तो ये बाहर आ जाएगी, वन बाय सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गया जीरो से लेके कैपिटल क्यू, क्यू इंटू डी क्यू, ये होगा जी। अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि अगर आपके पास x रेज टू पावर n dx हो,
उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आती है एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आती है उसे डिवाइड कर देते हैं। लिमिट्स हैं तो कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होता, तो इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाय सी इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक पावर थी पहले बेटा, एक में एक जोड़ दिया तो दो होगी और उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट जीरो से लेके कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वन बाय सी। हाँ जी, अब लिमिट्स पुट कीजिए। सबसे पहले इस क्यू की जगह ऊपर वाली वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्यू स्क्वेयर बाई टू माइनस। अब क्यू की जगह नीचे वाली वैल्यू, नीचे जीरो है तो जीरो स्क्वेयर बाई टू मीन्स ये आ जाएगा जी जीरो स्क्वेयर बाई टू। अब आप जानते हैं जीरो स्क्वेयर इज जीरो, जीरो बाई टू इज जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बेटे जीरो। क्यू स्क्वेयर बाई टू में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई असर नहीं पड़ना, तो इसलिए वर्क क्या आ जाएगा बेटे, वर्क आएगा क्यू स्क्वेयर बाई टू से। और यही वर्क कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन साइड द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं। तो इसलिए जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी प्यारे बच्चों कैपेसिटर के अंदर, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय टू से। एक फॉर्मूला तो ये आ गया जी, यदि चार्ज दिया गया है कैपेसिटर पे, उसकी कैपेसिटेंस है, तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट उसकी एनर्जी बता सकते हैं। दो फॉर्मूलाज और बनाएंगे अभी हम यहाँ पे। देखिए कैसे, Q होता है CV के बराबर, होता है प्यारे बच्चों। इस इक्वेशन के अंदर Q की ये वैल्यू आप पुट कीजिए, Q की जगह CV पुट कर दें तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर मीन्स सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन टू सी। एक सी से सी कैंसल, बचेगा सिंपली हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, यदि कैपेसिटेंस दी गई है और पोटेंशियल दिया गया है, तो जो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इसकी एनर्जी के लिए, वो सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। लियो जी, दो फॉर्मूला आ गए। तीसरा फॉर्मूला एक और बना लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए इसी की हेल्प लेंगे हम। Q इज इक्वल टू सी वी था तो C क्या हो जाएगा यहां से Q अपॉन V। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसमें Q की वैल्यू पुट करी थी। अब तीसरा फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, C की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये वैल्यू पुट करें तो देखना क्या आएगा, क्यू स्क्वेयर बाय टू सी की जगह क्यू अपॉन वी, कहाँ चला गया वो ऊपर, क्यू से क्यू कैंसल, ये रिजल्ट आ गया हाफ ऑफ क्यू वी। तो तीसरा एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, क्या आएगा बेटे हाफ ऑफ क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास कैपेसिटर की एनर्जी के लिए डिज़ाइन या ड्राइव हो जाते हैं जी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एनर्जी जो स्टोर हुई वो मैथमेटिकली क्या है बेटे, क्यू स्क्वेयर बाई टू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी। चार्ज कैपेसिटेंस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का पता है तो ये अप्लाई कर दीजिए, और यदि चार्ज और पोटेंशियल का पता है तो आप ये अप्लाई कर दीजिए। तो ये था जी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। नाउ वी प्रोसीड, तो अब आता है जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर की ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमने दो प्रकार की पढ़ी थी बेटा ग्रुपिंग कल, क्या, एक तो सीरीज में रिजल्ट यह आया था वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस अप टू शो ऑन। एक पढ़ी थी जी पैरेलल, और पैरेलल में रिजल्ट यह आया था कि सी पी जो होता है नेट कैपेसिटेंस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू शो ऑन होता है। तो अब
आपको ग्रुपिंग के अंदर एनर्जी निकालनी है। देखिए बच्चा, बस मान लेते हमने सीरीज ग्रुपिंग कर दी। क्या कर दी बच्चों? सीरीज ग्रुपिंग। और जो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, नेट एनर्जी स्टोर्ड, वो नेट एनर्जी स्टोर्ड यू के पैर में एस मान लेते हैं, यानी यू एस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कम्बिनेशन। अब बात आएगी इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या कि जी सीरीज कम्बिनेशन हो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में तो वहाँ पे चार्ज और करंट सेम रहते हैं, तो इसलिए वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिसके अंदर चार्ज सेम रहे। ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वोल्टेज चेंज करेगा, ये भी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इसमें चार्ज तो सेम है बट हर एक के पास पोटेंशियल डिफरेंट है, तो केवल इस फॉर्मूला की बात बचती है, ये अप्लाई कर सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन में। तो सीरीज कम्बिनेशन में हर एक के पास चार्ज क्यू, टोटल चार्ज भी क्यू, और नेट कैपेसिटेंस सी एस, तो इसलिए यू एस क्या आ जाएगा बेटे, क्यू स्क्वेयर बाई टू सी एस। दिस इज द नेट एनर्जी इन सीरीज कम्बिनेशन। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वेयर बाई टू इंटू वन अपॉन सी एस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस अलग अलग करके लिख दी। इसको यूं भी लिखा जा सकता है क्यू स्क्वेयर बाई टू वन अपॉन सी एस की वैल्यू, वन अपॉन सी एस तो ये राजी वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, लिख दीजिए वन बाई सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री प्लस अप टू सो वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोबारा से, तो यू एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय टू सी वन प्लस क्यू स्क्वेयर बाय टू सी टू प्लस क्यू स्क्वेयर बाय टू सी थ्री प्लस अप टू सो वन। अब इस टर्म पे आप नजर दें फैलाइए, पहले कैपेसिटी कैपेसिटेंस सी वन है, चार्ज उसके पास क्यू है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी आएगी यू वन, इसका यूज करके, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे चार्ज क्यू, चार्ज तो सभी पे क्यू ही रहेगा क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन, इसलिए चार्ज क्यू अपॉन कैपेसिटेंस उसकी सी वन है। तो अगर इससे हम देखें क्यू स्क्वायर बाय टू सी वन, दिस इज द एनर्जी फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, एज इट इज पैटर्न पे दिस इज द एनर्जी फॉर सेकेंड कैपेसिटर, एज इट इज पैटर्न पे दिस इज द एनर्जी फॉर थर्ड कैपेसिटर। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या पता चला कि जब सीरीज कम्बिनेशन होता है, कैसा कम्बिनेशन हो बेटे, सीरीज कम्बिनेशन, तो जो नेट एनर्जी होगी वो इंडिविजुअल एनर्जीज का सम होती है। मीन्स इन सीरीज कम्बिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ यू एस विल बी इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस अप टू सो वन। मीन्स बात यह आ गई जी, जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी एनर्जी डायरेक्ट जुड़ेगी। कैपेसिटेंस अगर नेट निकालनी है तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बट टोटल एनर्जी यदि निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट उनकी अलग अलग जो एनर्जी है सभी की उसको जोड़ दीजिए। बात चलती है अब पैरेलल कम्बिनेशन पे। पैरेलल कम्बिनेशन मान लेते हमने कैपेसिटर्स जो थे वो पैरेलल में जोड़ दिए, और प्यारे बच्चों मान लेते जो नेट एनर्जी स्टोर होगी वो यूपी है इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हमें एक बात का पता, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसलिए इन तीनों में से वो उठाना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व है। आप ये नहीं उठा सकते, नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज आया और कैपेसिटेंस, हर एक पे चार्ज अलग अलग मिलेगा। आप ये भी नहीं उठा सकते, ये पोटेंशियल तो सेम है बट चार्ज क्या मिलेगा, हर एक पे अलग अलग मिलेगा। तो एक चॉइस बचती है केवल हाफ ऑफ सी स्क्वायर। तो इसलिए नेट कैपेसिटेंस सी पी है पैरेलल कम्बिनेशन में और पोटेंशियल वी है, तो इसलिए क्या आ जाएगा बेटे, हाफ ऑफ सी पी वी स्क्वायर आएगा जी। तो दिस इज द टोटल एनर्जी इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब आप सी पी की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे सी पी की वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ सी पी की वैल्यू क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू सोन चलते गए जितने भी हैं डायरेक्ट जुड़ गए इंटू वी स्क्वायर। अब इस वी स्क्वायर और हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप तो क्या आएगा, सबसे पहली टर्म आएगी हाफ ऑफ सी वन वी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगी हाफ ऑफ सी टू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी थ्री वी स्क्वायर प्लस यूं चलता रहेगा जी। अब इस पे नजर फैलाइए, आप इसको गौर से देखिए,
यदि किसी कैपेसिटी कैपेसिटेंस सी है उसका पोटेंशियल वी है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। पहला कैपेसिटर जो था कैपेसिटेंस सी वन थी, पोटेंशियल वी था, तो इसलिए ये पहले की एनर्जी आ गई इस फॉर्मूला से। दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर। तो यूं लिख सकते हैं हम UP इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू सिग्मा। तो मींस पैरेलल कम्बिनेशन में भी जो एनर्जी है कैपेसिटर्स की वो डायरेक्ट जुड़ती है, सीधी जुड़ती है बच्चों। तो जो अच्छी चीज सीखने को मिलती है आज वो ये कि जिस चाहे सीरीज कम्बिनेशन हो कैपेसिटर का, चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, जो एनर्जी होगी वो डायरेक्ट जुड़ेगी। मींस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के पास जो एनर्जी है उसका एल्जेब्रिक सम आप निकाल दीजिए तो टोटल हमारे पास कम्बिनेशन की एनर्जी आ जाती है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट आता है जी एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट है वो ग्रेजुएशन में बार बार रिपीट होता है बच्चों। यहाँ पे अगर आप उसको अच्छे से सीख लेंगे तो फिर आगे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मास डेंसिटी होती वैसे ही एनर्जी डेंसिटी भी होती बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिए, इंपॉर्टेंट, और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं, छोटा यू, स्मॉल यू से। मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम जनरली, मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल बॉडी का जितना मास होता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो उसकी मास डेंसिटी आ जाती है। ऐसे ही लिखते हैं ना बेटे, रो नोटेशन होती है मास डेंसिटी के लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है ना। हाँ जी, एज इट इज पैटर्न पे यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटर के अंदर वो उसकी एनर्जी डेंसिटी बोली जाएगी। अब हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, सपोज ये है जी, ठीक बात है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है जिसको इंसुलेट किया गया है नीचे से, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इसको क्या कर दिया गया बेटे, अर्थ कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। बीच की सेपरेशन प्लेट्स की डी मान लेते हैं, और ये प्लेट्स ऐसे हैं यूं यूं रखी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल यूं, तो इनका फेस एरिया होगा इसका भी और इसका भी बराबर फेस एरिया मान लेते हैं, और जो एरिया है ईच प्लेट का वो ए मान लीजिए। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट के बीच में है वो कैपिटल वी मान लीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा इन प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और साथ में यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो हमें पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओ, ये होता है जी। ओके श्योर, कोई डाउट नहीं आई थिंक। अब हमें एक बात और पता है बेटा, आर्टिकल आगे करने से पहले जो जो चीज़ें हमारे को पता वो लिखते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और मैग्नीट्यूड में यदि बात करें तो ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है, बट नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को दिखाने के लिए आता है, तो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इसका काम कर जाए वी डी आर, यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, तो डी आर का काम करेगा डी, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी आ जाता है, वी बाई डी। ओके, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, सही बात है जी, और साथ में यदि आगे देखें E इंटू डी, E की वैल्यू ये रही, तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ें हमारे को वेल नोन थी पहले ही, पहले ही पता थी, अभी इस आर्टिकल में यूज होगा तो इसलिए मैंने पहले लिख ली है। एनर्जी डेंसिटी कर रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको बताया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल जितनी एनर्जी स्टोर होती है, टोटल एनर्जी जो है कैपेसिटर के अंदर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर,
अब इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है सी मान लीजिए, वी पोटेंशियल यहाँ पे है, तो बेटे एनर्जी जो स्टोर होगी यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होगी, होगी या नहीं होगी बेटे? अगर सी कैपेसिटेंस वी पोटेंशियल तो एनर्जी स्टोर होगी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक बात है। अब बात चलती इसकी वॉल्यूम की, ये प्लेट्स हैं, ये रही फेस एरिया ए है, सेपरेशन बीच की डी है, तो ए इंटू डी कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा, पता है आप लोगों को ये? हाँ जी, कैसे? जैसे सिलेंडर होता है हमारा, ये सिलेंडर, इसके दोनों फेस सर्कुलर होते हैं, अगर ये रेडियस आर है और ये हाइट एच है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप इसका? वॉल्यूम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअल अगर इस फॉर्मूला को आप देखें तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर इस सर्कुलर फेस का एरिया है, क्योंकि ये सर्कुलर है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपने क्या कर दिया, इस हाइट या इस लंबाई से गुना कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। वही बात यहाँ पे ये है कि ए जो है वो एरिया है फेसेस का, बीच की सेपरेशन डी है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटे? वॉल्यूम आएगा, बताना बेटा, ए इंटू डी। तो टोटल एनर्जी का भी पता, वॉल्यूम का भी पता, तो एनर्जी डेंसिटी यू जो आएगी वो आएगी बेटे हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ये तो है एनर्जी की वैल्यू, इसके नीचे क्या है, वॉल्यूम, दैट इज ए इंटू डी। अब सारी चीजें आपको पता, सारी चीजें आपको पता है, क्या वी की वैल्यू पता, यहां से पता है, ये रही सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है यदि मीडियम फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती बेटे, लास्ट लेक्चर्स के अंदर रिपीट किया गया था, ये पढ़ाया गया था, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखने पड़ेंगे जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू और ये वी की वैल्यू पुट करें और रिजल्ट को फाइंड आउट करने का प्रयास करें, तो हाफ ऑफ सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये सी की वैल्यू लिखी बेटा मैंने, नीचे और क्या है ए डी है, ए इंटू डी लिख दिया। अब वैल्यू बचती है वी स्क्वायर की, वी है ये, इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा सिग्मा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्या यही आएगा? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो यही आएगा बेटा। तो अब ए से ए कैंसल, नो प्रॉब्लम। साथ में अगर बात की जाए क्या होगा प्यारे बच्चों, डी स्क्वेयर कैंसल, तो यू कितना आ गया बेटे, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो हाफ ऑफ क्या आएगा बच्चों, बोलना से बस, हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी जी, ये क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी यदि सिग्मा आपको पता है और साथ में मीडियम फ्री स्पेस हो तो हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। लेकिन कई बुक्स में क्या मिलता है, कई बुक्स में हमारे पास इस सिग्मा की वैल्यू लिखी हुई मिलती है, सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ई था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा बेटे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, श्योर? अगर सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई आ जाती है तो यहाँ पे पुट कर दें बस आप, तो यू क्या आ गया जी, देखना बेटा, हाफ ऑफ सिग्मा की वैल्यू ये रही एप्सिलॉन नॉट ई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल आउट, तो एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यदि प्लेट्स के बीच का मीडियम फ्री स्पेस है तो उस समय जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, यदि कोई और मीडियम हो, एनी अनदर मीडियम, फ्री स्पेस ना हो, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे उस केस में, हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर, ये होगी जी। और आप यूं भी कह सकते हैं क्योंकि हमें एक बात पता, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं यहां से, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लो जी,
निकाल सकते हैं। अगर ये निकालें तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं यदि कोई और मीडियम है तो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। तो बेटे कैसे लिखोगे फिर आप, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कोई और है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो एनर्जी डेंसिटी होगी के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। फ्री स्पेस है तो ये आ जाएगा। अब यूनिट्स, जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं यूनिट लिखने में। ये एनर्जी डेंसिटी है, नॉट एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मींस एनर्जी की यूनिट है जूल अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट है मीटर क्यूब। तो बेटे क्या आ जाएगी इसके ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट बनेगी जी जूल पर मीटर क्यूब। तो ये यूनिट यूज की जाती है एनर्जी डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो दिस इज द आर्टिकल फॉर एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी के लिए आर्टिकल था। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक अब है उसको डिस्कस करते हैं, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है और उसके बाद शेयरिंग के दौरान कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो पहले कॉमन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों शाबाश, कॉमन पोटेंशियल इसको कैसे करें। सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये मान लीजिए जिसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसके पास जो पोटेंशियल है वो V1 है, ठीक है जी। एक दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं हम जिसकी कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है, और ये अलग अलग पोटेंशियल पे रखे गए हैं, मीन्स V1 की वैल्यू V2 की इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा यदि हम इनको एक कंडक्टिव वायर के थ्रू जोड़ दें, किसी कंडक्टिंग वायर से यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो इनके बीच शेयरिंग होगी चार्ज की, और तब तक होगी जब तक इनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा उस समय शेयरिंग रुक जाएगी, और उस बराबर हुए पोटेंशियल को क्या बोलेंगे बेटे, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, दो कैपेसिटर लिए C1 C2 कैपेसिटेंस के, उनके पोटेंशियल्स मान लेते हैं V1 और V2 रिस्पेक्टिवली हैं, V1 की वैल्यू V2 के बराबर नहीं है। तो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू यदि इन कैपेसिटर को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग होगी चार्ज की, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, और तब तक होगी जब तक कि दोनों बराबर पोटेंशियल पे ना आ जाएं। और जैसे ही बराबर पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो शेयरिंग रुक जाएगी, और जिस पोटेंशियल के ऊपर इनकी शेयरिंग रुक जाती है उसी को कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब ये कॉमन पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। देखिए इस प्रोसेस के दौरान सिंपली शेयरिंग हुई है चार्ज की, टोटल चार्ज उतना ही है दोनों कैपेसिटर के पास। कैसे, मान लेते हैं पहले इसके पास 5 कूलम का चार्ज है और इसके पास क्या है बेटे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं, 3 कूलम का चार्ज। तो बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 कूलम का। अब अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कुछ चार्ज इसमें से इसके पास चला जाएगा, जितना इसने छोड़ दिया उतना इसने गेन कर लिया। तो फिर आप यदि फाइंड आउट करेंगे, सपोज मान लीजिए इस पे 4 कूलम, अगर इस पे भी 4 कूलम हो गया तो अब भी टोटल कितना है, 8 कूलम भी है। तो शेयरिंग हुई है ना, तो यहाँ पे चार्ज का लॉस हुआ और ना ही गेन हुआ। तो अब कैसे करें, चलते हैं बेटी, चलिए शाबाश। ओके, बिफोर शेयरिंग, जब तक शेयरिंग नहीं हुई, पहले की कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, तो उसके पास जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा बेटे C1V1, क्योंकि ये तो उसकी कैपेसिटेंस थी, ये उसका पोटेंशियल था। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV, तो C1V1। जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, तो बिफोर शेयरिंग उसके पास जो चार्ज है वो C2V2 है। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग दैट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। सिंपल सी बात, क्योंकि इतना पहले पे इतना दूसरे पे, तो टोटल कितना उनके पास दोनों का जोड़, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमने उनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, अब हो जाएगी शेयरिंग स्टार्ट, और शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तब तक होगी जब तक बराबर पोटेंशियल ना हो जाए, और जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो वो क्या बोला जाएगा बेटे, कॉमन पोटेंशियल। मान लेते हैं वो कॉमन पोटेंशियल भी है, तो अब शेयरिंग के बाद पहले पे जो चार्ज मिलेगा वो C1V मिलेगा,
क्यों मिलेगा? क्योंकि कैपेसिटेंस उसके सीवन और पोटेंशियल उसका कॉमन पोटेंशियल के बराबर हो चुके हैं। दूसरे पे चार्ज कितना मिलेगा शेयरिंग के बाद? C2V, क्योंकि कैपेसिटेंस उसकी C2 है और पोटेंशियल अब उसका और इसका दोनों का बराबर हो चुका है, तो C2V उस पे चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना हुआ बेटा दोनों का? मैं कह दूं C1V प्लस C2V, इक्वेशन सेकंड। अब इस प्रोसेस के दौरान ना तो चार्ज में लॉस हुआ ना ही गेन, इट इज सिंपली शेयरिंग। तो जितना पहले था उतना ही बाद में, दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट करते हैं। तो यूं कह लूं C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। V कॉमन ले लीजिए, V के कॉमन लेते ही क्या आएगा बेटा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? C1 प्लस C2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। जब दो हमारे पास कैपेसिटर हैं डिफरेंट कैपेसिटेंसेस और डिफरेंट पोटेंशियल्स पे, उनको जब जोड़ देंगे तो शेयरिंग के बाद जो उनका कॉमन पोटेंशियल मिलेगा वो क्या होगा बेटे? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इम्पोर्टेंट है, इस आर्टिकल में अभी यूज होगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यदि तीन कैपेसिटर होते तो रिजल्ट एज इट इज आगे बढ़ जाता, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। एक पैटर्न आपको दिखाई देगा अभी यहाँ पे। तो नेक्स्ट आता है जी लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। आर्टिकल है लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज जब दो कैपेसिटर चार्ज को शेयर करते हैं तो एनर्जी में लॉस आता है। और वो क्यों आता है, किस वजह से आता है? होता ये है बेसिकली, इस प्रोसेस में चार्ज में तो लॉस नहीं आता, बट दोनों की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी शेयरिंग से पहले थी वो ज़्यादा मिलेगी, और शेयरिंग के बाद टोटल दोनों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे वो थोड़ी सी कम मिलेगी बेटे। समझ गए मेरी बात को? तो वो लॉस क्यों आया? क्योंकि शेयरिंग के दौरान एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। इस फॉर्म के अंदर लॉस हो सकता है, और लॉस हो सकता है तो पहले जो टोटल एनर्जी थी वो ज़्यादा मिलेगी और बाद की टोटल एनर्जी क्या मिलेगी बेटे? कम। अब निकालते हैं। तो बिफोर शेयरिंग जो टोटल एनर्जी है वो U1 मान लें, बिफोर शेयरिंग दोनों की टोटल एनर्जी U1 मान ली, तो क्या रहेगी वो? पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, तो पहले की एनर्जी क्या होगी बेटे? हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, ये तो पहले की, और दूसरे की रहेगी हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है दोनों की वो U2 मान लेते हैं, क्या होगी? पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी। अब शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल तो एक जैसा हो चुका है, तो पहले की एनर्जी मिलेगी हाफ ऑफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर, जो कि कॉमन पोटेंशियल है। इक्वेशन सेकंड। आप लॉस निकालना चाहते हैं, तो पहले की एनर्जी में से बाद की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब लॉस आया है जी। तो अब हम यहाँ पे लॉस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेल्टा यू जिसको मैं बोल देता हूँ, तो वो आएगा बेटे U1 माइनस U2। इस पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ तो कॉमन ही आएगा। एक स्टेप मैं यहाँ पे बीच में मिस कर देता हूँ, क्योंकि आप बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो बार बार जितना कम मैथमेटिक्स यूज करें उतना अच्छा होता है। हाफ कॉमन आ गया, दिस माइनस दिस, तो मीन्स C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस दिस मच, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और साथ में अगर देखें तो इनमें से V स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो मैं यूं कह दूं माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, कह सकते हैं ना बेटे? क्योंकि देखिए हाफ तो कॉमन आके बाहर चला गया, फिर आएगा माइनस C1V स्क्वायर माइनस C2V स्क्वायर, जिसमें से माइनस V स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो C1 प्लस C2 बचेगा।
अब आप क्या करें, जो ये इक्वेशन आई है हमारी ऊपर वाली, उसमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके और सिंपली सोल्व कर दीजिए। करो भाई सोल्व है, बस डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू स्क्वेयर माइनस सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वेयर। ये रीजी वी की वैल्यू, इसका स्क्वेयर है तो ऊपर की स्क्वेयर नीचे का स्क्वेयर, यूं कह दें सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू कंप्लीट स्क्वेयर डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू नीचे भी स्क्वेयर। सी वन प्लस सी टू की एक पावर ऊपर है, दो नीचे है, तो कैंसिल होकर नीचे एक बच जाएगी। देन डेल्टा यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी वन वी वन स्क्वेयर प्लस सी टू वी टू स्क्वेयर माइनस, यहां नीचे है सी वन प्लस सी टू, ऊपर की स्क्वेयर है, स्क्वेयर को खोल दें आप, खोलते ही क्या बनेगा ए स्क्वेयर यानी सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स सी टू स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर प्लस टू ए बी टू सी वन सी टू वी वन वी टू, यह आ जाएगा जी। अब एलसीएम ले लीजिए और सोल्व कीजिए। एलसीएम लेके यदि सोल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, सी वन प्लस सी टू आ जाएगा। सी वन प्लस सी टू इज द एलसीएम। ये एलसीएम लेंगे, इसकी इसके साथ गुना प्लस इसकी इसके साथ गुना और माइनस दिस मच। देखो फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ बार ही हमारा ये आ गया जी एलसीएम सी वन प्लस सी टू। हाँ जी बेटा, इसकी इसके साथ गुना कीजिए आप, तो सबसे पहले इस सी वन वी वन स्क्वेयर की सी वन के साथ, तो बनेगा सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर प्लस फिर इसकी सी टू के साथ गुना, तो मीन ये सी वन सी टू वी वन स्क्वेयर प्लस अब इसकी इसके साथ गुना, पहले सी वन के साथ, तो आएगा जी सी वन सी टू वी टू स्क्वेयर प्लस अब इसकी सी टू के साथ गुना, तो सी टू स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर। लियो जी, ये तो हमारा काम हो गया। अब सिंपली इस माइनस को अंदर लेके चले जाएं, तो माइनस सी वन वी वन स्क्वेयर सी वन स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर माइनस सी टू स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ सी वन सी टू वी वन वी टू। लियो जी, जो टर्म्स कैंसिल होते कैंसिल कर दीजिए, सी वन वी वन स्क्वेयर पॉजिटिव नेगेटिव, सी टू वी टू स्क्वेयर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो गायब होगी, बच गई कितनी, ये टर्म्स बच जाती हैं ऊपर, ये बची हैं केवल, इन पे अब देख लो बेटा, एक तो ये बच गई, एक ये बच गई, ये भी गायब होगी। लो ये सारा ही गायब, टर्म्स ही तीन बचते हैं, सी वन सी टू वी वन स्क्वेयर प्लस सी वन सी टू वी टू स्क्वेयर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू। सी वन सी टू इसमें से कॉमन आ गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वन सी टू के नीचे टू टाइम्स सी वन प्लस सी टू, ऊपर बचेगा वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस टू वी वन वी टू। ओके ठीक है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो सिंपली ए माइनस बी स्क्वेयर या फिर बी माइनस ए स्क्वेयर, तो आप इसको वी वन माइनस वी टू स्क्वेयर लिख लीजिए या वी टू माइनस वी वन स्क्वेयर लिख लीजिए, एक ही बात है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वन सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू स्क्वेयर अपॉन टू टाइम्स ऑफ सी वन प्लस सी टू। दिस इज द रिजल्ट फॉर लॉस इन एनर्जी। ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, बिकॉज ये पॉजिटिव, ये स्क्वेयर के साथ है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा और नीचे वाली चीज भी पॉजिटिव, मींस डेल्टा यू क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू किसके बराबर था, यू वन माइनस यू टू, ये चीज पॉजिटिव है मींस यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, तो इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी वो फाइनल टोटल एनर्जी से ज्यादा है, तो एनर्जी का यहाँ पे लॉस हुआ। तो ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज तो कंजर्व रहता है बट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी।
तो ये था बेटे आज के लेक्चर के बारे में सारा का सारा हमारा डिस्क्रिप्शन, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मोस्ट वेलकम।